वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपकी को नई वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे कुछ लव रोमांस से रिलेटेड टॉप 3 साउथ की कुछ लव स्टोरी मूवीज के बारे में, जो कि रिसेंटली हिंदी में रिलीज हुई है एंड इसकी हिंदी डबिंग भी आपको अच्छी खासी ही देखने को मिलती है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी टॉप 3 मूवीज से, जहां हमारे टॉप 3 पे हमें देखने को मिलती है गालुडु, जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है लव रोमांस के ऊपर। ये मूवी आपको करंटली आहार नाम के प्लेटफॉर्म पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी एंड इसकी हिंदी डबिंग भी आपको अच्छी खासी ही देखने को मिलती है। गालुडु जहां मूवी स्टोरी लाइन बेस्ड है शुक्ला एंड रजनीकांत की लव स्टोरी के ऊपर। रजनीकांत जो कि गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एंड दूसरी साइड शुक्ला जो कि शहर में एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। एंड मूवी में हम देखते हैं कि रजनीकांत अपने गांव में एक कांड करता है जिसकी वजह से उसे शहर भागना पड़ता है। एंड रजनीकांत के शहर जाने के बाद एक्सीडेंटली वो शुक्ला से मिलता है एंड शुक्ला उस पे तरस खा के उसे वहां कोई काम दिला देती है बिकॉज उसका जान पहचान का वहां कोई भी नहीं होता। एंड वहीं से ही आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलती है जो कि आपको ऑफकोर्स पसंद आएगी एंड ऑल्सो दोनों के बीच केमिस्ट्री जो कि ऑफकोर्स आपको वो वाला मजा देती है जो कि एक प्यार वाली मूवी में आप देखते हो। जहां मूवी में आपको बहुत सारा रोमांस एंड एक्शन देखने को मिलता है जो कि ऑफ कोर्स इस मूवी को एंगेजिंग बनाता है। सो इन दोनों के प्यार को क्या इनके घर वाले अपना भी पाते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। सो यहाँ चलते हैं अपनी टॉप 2 मूवी के ऊपर, जिसका नाम है जोरुगा उसारुगा, जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है लव इमोशन ड्रामा के ऊपर। ये मूवी आपको हिंदी में Amazon Prime के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी एंड इसकी हिंदी डबिंग भी आपको डिसेंट सी देखने को मिलती है। जोरुगा उसारुगा जहाँ मूवी स्टोरी बेस्ड है निकिता एंड संतोष के ऊपर। एंड मूवी के अंदर हमें ऑफिस वाली लव स्टोरी देखने को मिलती है जो कि ऑफकोर्स आपको पसंद आएगी। जहाँ मूवी के अंदर हमें इन दोनों का रिलेशन पहले से कमिटेड देखने को मिलता है एंड ये दोनों ये नहीं चाहते कि इनके प्यार के बारे में इनके ऑफिस में किसी को पता चले। जहाँ ऑफिस में एक दूसरे से छुप छुप के रोमांस करना, एक दूसरे की केयरिंग करना जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो मूवी में हमें संतोष की फैमिली के एक इमोशनल स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कि कहीं ना कहीं आपको पसंद आती है। सो मूवी में आपको एक अच्छा खासा रोमांस है एंड आफ्टर कमिटेड लव स्टोरी देखने को मिलती है जो कि आपको ऑफकोर्स पसंद आएगी। सो यहाँ चलते हैं अपनी टॉप 1 मूवी के ऊपर, जिससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। सो हमारी टॉप 1 पे मूवी का नाम है लिटिल मिस रोथेयर, जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है म्यूजिकल रोमांस के ऊपर। ये मूवी आपको हिंदी में Amazon Prime के ऊपर देखने को मिल जाएगी एंड इसकी हिंदी डबिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। लिटिल मिस रोथेयर जब मूवी की लव स्टोरी बेस्ड है अभिजीत एंड नैना के ऊपर। एंड मूवी की स्टोरीलाइन शुरू होती है तब से जब इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका होता है, जहां नैना के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे होते हैं एंड उसे वो शादी नहीं करनी, जिसके लिए वो भागने का प्लान भी बनाती है। एंड उस चीज के लिए वो फोन करती है अभिजीत को कि वो उसे भगा के एयरपोर्ट तक छोड़ दे। जहां उसे एयरपोर्ट तक जाते जाते उन दोनों के बीच में हमें एक रिवील्ड सी लव स्टोरी देखने को मिलती है। मूवी के एंड में हमें एक शॉकिंग चीज भी देखने को मिलती है जो कि इस मूवी के डीप लव स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी की लव स्टोरी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। सो ये थी कुछ टॉप 3 लव स्टोरी जो कि इसी ईयर साउथ की तरफ से हिंदी डब में रिलीज हुई है एंड ये तीनों मूवी ऑफ कोर्स आपका इंपोर्टेंट वॉच टाइम भी डिजर्व करती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी मूवीज देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके पर्सनल ओपिनियन इन मूवी को लेके। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना एंड और रिव्यूज के लिए देखते रहिए।